राहुल सर जी, बोदे को मोदी जी कटहल लेकर चले आ रहे हैं। इसका मतलब केजरीवाल जी ने बिल्कुल अपनों को सही जानकारी दी थी। आंकले समझदार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बोदे को मोदी जी आ गए। मोदी जी रुको, यहीं पर रोक लो अपने स्कूटर को। बोलिए राहुल इंस्पेक्टर जी, ऐसी क्या बात हो गई? किस लिए स्कूटर को रोक लूं? अरे मोदी जी, किस लिए स्कूटर को रोक लूं? ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। स्कूटर तो रोको, तभी तो बताऊंगा। अरे तुमने अपने स्कूटर का हाल देखा है? स्कूटर पे कितने ज्यादा कटहल लाद रखे हैं। इतने कटहल तो कोई एक छोटे ट्रक में भी नहीं लादता है, जितने कटहल तुमने अपने स्कूटर पे लाद रखे हैं। राहुल जी, बात को जलेबी की तरह मत घुमाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। कटहल को मैंने मान लिया, चलो स्कूटर पे ज्यादा लाद रखा है, लेकिन बात क्या है? किस लिए आपने मुझे रोका है? बात क्या की बात करते हो मोदी जी, ओवरलोड पर आपके स्कूटर का चालान कटेगा। अरे राहुल इंस्पेक्टर जी, आप ऐसे कैसे चालान काट सकती है मेरे स्कूटर का? चलो अगर मेरे स्कूटर पर 3 सवारी बैठी हुई होती आप चालान काट सकते थे, लेकिन मेरे ज्यादा कटहल लादने से स्कूटर का चालान क्यों काटोगे? देखो मोदी जी, मुझे ज्यादा बात करने की तो आदत है नहीं। ऐसा है, आपके स्कूटर पर ओवरलोड है, चालान तो कटेगा, नहीं तो एक काम करो, चालान नहीं काटूंगा। बोलो राहुल जी, क्या करना है? अभी कर देता हूँ वो काम। बताओ, जो आपके स्कूटर पर आगे सबसे बड़ा कटहल रखा है, इस कटहल को मुझे दे दो और चले जाओ। राहुल जी, इस स्कूटर में जितने भी कटहल लदे हैं, उन कटहल में से कोई सा भी कटहल ले लो आप, लेकिन आगे जो कटहल रखा है उस कटहल को मैं आपको नहीं दूंगा, चाहे मेरा चालान काट दो। अरे मोदी जी, आगे वाले कटहल में ऐसी क्या बात है? आगे वाला कटहल मुझे तो अच्छा लग रहा है, दे दो। तो मेरा भी तो सवाल यही है, आगे वाले कटहल में क्या बात है? पीछे इतने कटहल रखे हुए हैं, उनमें से एक कटहल ले लो। देखो राहुल जी, आगे वाले कटहल का मैं अचार बनवाऊंगा घर जाकर, उस कटहल को मैं आपको नहीं दूंगा। पीछे से चाहे एक की जगह दो कटहल ले लो, एक अखिलेश जी को दे दो, एक आप रख लो। अरे राहुल सर जी, क्यों आगे वाले कटहल के पीछे पड़े हुए हो? पीछे से मोदी जी दो कटहल दे तो रहे, एक मैं ले लेता हूँ, एक आप ले लो। आगे वाले कटहल का मोदी जी घर जाकर अचार बनवाएंगे। अरे अखिलेश हवलदार, मैं आगे वाले कटहल को फेंकता थोड़ी, मैं भी तो अचार ही बनवाता। चलो कोई बात नहीं है मोदी जी, आगे वाला कटहल मत दो, और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, खीरा तो अच्छा है नहीं तुम्हारे खेत में, मैं शहर से तुम्हारा खीरा खरीदने के लिए आया हूँ, लेकिन ये तो बहुत छोटा छोटा खीरा है, लगता है तुमने खीरे की खेती पर सही से ध्यान नहीं दिया है। अरे मोदी जी, कैसी बात करते हो, ये देखो कितना बड़ा बड़ा खीरा है, आप सही तरीके से देख ही नहीं रहे हो। अरे खीरा खीरे ही तो बराबर होगा, कोई लौकी के बराबर थोड़ी हो जाएगा, देखो कितना बड़ा बड़ा खीरा है। अरे आप शहर से यहाँ पर हमारे गांव में खीरा खरीदने के लिए 2 दिन से आए हुए हो, और आपने कल केजरीवाल का खीरा खरीदा भी था। अरे केजरीवाल का खीरा तो कोई मेरे खीरे से बड़ा थोड़ी है, लेकिन आपने उनका खीरा खरीद लिया, मेरा खीरा खरीदने से मना कर रहे हो। राहुल, मैं तुम्हारा खीरा खरीदने को मना नहीं कर रहा हूँ, केजरीवाल के भाव में मैं तुम्हारे भी खेत का खीरा खरीद लूंगा। मतलब मैं समझा नहीं मोदी जी, आप कहना क्या चाहती हो? देखो राहुल, तुमसे कुछ मैं छुपाऊंगा नहीं, ये तो तुम्हें पता ही है, इस टाइम खीरे का रेट 50 रुपए किलो का है। केजरीवाल का खीरा तुम्हारे खीरे की तरह छोटा था, इसीलिए कल मैंने उनके खेत से खीरा 20 रुपए किलो के हिसाब में 50 क्विंटल खीरा खरीदा है। अरे मोदी जी, केजरीवाल ने 20 रुपए किलो का खीरा बेच दिया होगा, मेरा खीरा कोई सवा थोड़ी जा रहा है। 20 रुपए किलो के हिसाब से मैं खीरा किसी हाल में भी नहीं बेचूंगा, खीरे का रेट 50 रुपए किलो का है। चलो आप 45 रुपए किलो का दाम लगा दो, आप तो सीधे 20 रुपए किलो के हिसाब से मेरे खीरे को मांग रहे हो। आप शहर वापस चले जाओ, मैं आपके हाथ खीरा नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे अपने इस खीरे को तोड़कर मंडी ले जाना पड़े, मंडी में जाकर बेच दूंगा। हाँ राहुल भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, योगी जी ने भी ऐसा ही किया है। योगी जी सारा का सारा खीरा एक गाड़ी में भर के मंडी ले गए शहर, वहां पर उनका खीरा 60 रुपए किलो के हिसाब से बिका। अच्छा राहुल, भाड़ा भूल गए? अरे मैं तो तुम्हारा खीरा यही खेत पर खरीद रहा था। चलो मान लेते तुम यहाँ से खीरा भरकर शहर मंडी में बेचने के लिए ले जाओगे, तो जिस गाड़ी में ये खीरा ले जाओगे उसका भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, किराया नहीं देना पड़ेगा। राहुल बात एक ही पड़ती है, चाहे कान इधर से पकड़ लो, चाहे कान को हाथ घुमाकर पकड़ लो, तुम्हारा खीरा एक रेट 25 रुपए किलो खरीदूंगा, देना है दो, नहीं देना है मना करो। और बहनों को वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बम बम बोले, बम बम बोले। राहुल अपना लोग भोले की नगरी हरिद्वार से जल तो लेकर चले आए, अब जल्द से जल्द महादेव के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर ये जल समर्पित कर दो, फिर मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मोदी जी, इच्छा तो मेरी भी पूर्ण हो जाएगी। अरे मोदी जी, आप हमेशा कांवड़ यात्रा पर जाते थे, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया और ना कभी मुझे साथ लेकर गए, लेकिन इस बार मैं पहली बार आपके साथ कांवड़ यात्रा पर निकला हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो। अब मैं तो हर साल आपके साथ कांवड़ यात्रा पर आया करूंगा, कह देता हूँ मैं आपसे, हर साल मुझे लेकर आना। लेकर तो आऊंगा राहुल मैं तुम्हें हमेशा, लेकिन एक बात बताऊं,
तुम थक बहुत जल्दी जाती हो, बार बार रुक रुक कर आराम बहुत करती हो, इसीलिए कांवड़ यात्रा पर चलने से पहले मैंने तुमसे कह दिया था कि सबसे पहले रुकना नहीं है, और तुमने भी यही कहा था कि रुकेंगे नहीं, लेकिन तुम बीच बीच में रुकते रहती हो, कभी कहती हो मुझे प्यास लगी है, कभी कहती हो मुझे भूख लगी है। देखो लालू जी, पिछले 7 साल से मेरे साथ कांवड़ यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं रुकती है, पूछ लो लालू जी से, रुकते नहीं है मोदी जी, फिर भी देखो मुझसे पीछे ही चल रहे हैं, मैं तो आगे चल रहा हूँ, वो अलग बात है आप सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि आप कई बार कांवड़ यात्रा पर आ चुके हैं, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से तेजी से चलने का एक्सपीरियंस हो गया है। राहुल हम तो भोले के भक्त हैं, ऐसी तेजी से चलते हैं, और राहुल ये तुम क्या कह रहे हो कि लालू जी पीछे चल रहे हैं, लालू जी के ऊपर तुम संदेह नहीं कर सकते, वो भले ही हल्के चले लेकिन हमेशा चलते ही रहती है, रुकते नहीं है। राहुल क्या कह रहे हो, क्या मैं हल्के हल्के चल रहा हूँ, अरे 7वीं बार कांवड़ यात्रा पे निकला हूँ मैं, तुम तो सिर्फ पहली बार आए हो, मैं हमेशा ही ऐसे चलता हूँ लेकिन मेरे कदम रुकते नहीं है, ये कदम जाकर महादेव के मंदिर पर ही जाकर रुकेंगे। योगी जी ये देखो, ये सब लोग कांवड़ यात्रा पर निकले कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं सोचता हूँ इस बार अपना दोनों भी कांवड़ यात्रा पर निकल चलते हैं। अखिलेश मैं तो हर साल कांवड़ यात्रा पर निकलता हूँ, तुम ही नहीं जाते हो, अब मैं कल से कांवड़ यात्रा पर निकलूंगा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलना। और ये तुम सही कह रहे हो, इन कांवड़ियों को देखकर तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।